Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटौतला, रायपुर। बलरामपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर जिले में सवारियों से भरी ऑटो पलट गई है, जिनमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुसमी में शादी समारोह में काम करने के बाद अंबिकापुर वापस जा रहे थे ये लोग, तभी सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां सवारियों से भरी ऑटो पलट गई है, 12 लोग इस सड़क हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। कुसमी में शादी समारोह में काम करने के बाद अंबिकापुर वापस जा रहे थे, तभी यह सड़क हादसा हुआ है। सभी का प्राथमिक उपचार फिलहाल किया जा रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बलरामपुर जिले से घनश्याम सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम, बलरामपुर से खबर है जहां सवारियों से भरी ऑटो पलट गई है, 12 लोग इस सड़क हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। आखिर यह सड़क हादसा हुआ कैसे घनश्याम, क्या कुछ अपडेट्स मिली है आपको? तो देखिए, बता दूं कि 12 लोगों को ऑटो में भर करके जब चालक कुसमी से अंबिकापुर जा रहा था, उसी वक्त दोहना में ये सड़क हादसा हुआ। और यहाँ पर ये सड़क हादसा हुआ, वहाँ पर सड़कें खराब है, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से ही ये सड़क हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, जो चालक था, जो ऑटो चला रहा था, उसने बताया कि 2 दिन से वो शादी समारोह में लगातार काम कर रहे थे, वेटर का काम भी लोग करते थे और इनके पास ड्राइवर नहीं था, खुद ही वो ऑटो को चला करा रहे थे। तो एक मात्र भाई यही है और दूसरी सड़क की वजह से ये दुर्घटना बताई जा रही है। और वहीं अगर मैं बताऊं तो इसको देखिए, छोटे से ऑटो में 12 लोग भरे थे, तो लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली है। घनश्याम, इस 12 लोगों के अलावा और कोई कितने लोग थे इस ऑटो में सवार? देखिए, इसमें कुल 12 लोग थे और सभी घायल हैं, सभी को हल्की की चोटी आई है, कुछ लोगों को अंदरूनी चोटें भी आई है, सभी का प्राथमिक उपचार किया गया है। फिलहाल सभी जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी घनश्याम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुसमी में शादी समारोह से काम करने के बाद अंबिकापुर वापस जा रहे थे, तभी यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, सभी का प्राथमिक उपचार जारी है।